غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के दोगे और किसी को साथ लाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारी औरतें बच नहीं पाएंगी। उन लोगों पर हमें यह साबित करना होगा कि उरान इस हमले के पीछे। मारिया, फौरन तुर्कुत के पास जाओ, वो मेरे साथ कबीले जाएगा। कबीले जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम देखना चाहते हैं कि फिलिप के खदशात दुरुस्त हैं या नहीं। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहां तक कि उसके दोस्त बन जाओ। इन्हें मुझ पर शक हो गया है भाई। आखिर तुम्हारी ये मुहिम कब खत्म होगी? ये नहीं बता सकता खातून, भाई और मेरे दरमियान ये राज है। कौन मुझसे ये करवाना चाहता है बताओ। उराल साहब, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में। बेऔलाद मत छोड़ना मुझे, बच्चे की मौत से आजमाइश ना करना मेरी। आमीन। दुंदार, मेरी गैर मौजूदगी में कबीला तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो। नहीं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सुलेमान शाह के बेटे सरदार दुंदार, सरदार कभी हालात से मायूस नहीं होता, हर कीमत पर कबीले की हिफाजत करता है वो। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ऐसा ही करोगे। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा भाई। सुलेमान शाह अगर हयात होते आज तो फख्र होता उन्हें तुम दोनों पर। मैं चलता हूं अब, बहुत से काम करने हैं मुझे। जैसे ही हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए थे, ये नई मुश्किल हम पर मुसल्लत हो गई। अर्तुरुल साहब, ये हमारे लिए बहुत सख्त आजमाइश है।
इन मुश्किलात से छुटकारा सिर्फ कब्र में ही मुमकिन है। इस मुश्किल का भी कोई हल निकाल लेंगे। मुझे यकीन है आपने कुछ सोचा होगा अर्तुरुल भाई, लेकिन जो भी आप सोच रहे हैं उसमें आपके साथ हैं हम। वो मलून शख्स सोना हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है आलियार साहब। वो चाहता है मैं अकेला वहां जाऊं। उसकी बात ना मानी तो खवातीन को नहीं बचा पाएंगे। अगर इसमें उन लुटेरों की कोई चाल हुई तो भाई आप उनके ठिकाने से वाकिफ हैं, हम पहले पहुंच के छुप जाएंगे। बहुत खतरा है इसमें आलियार साहब। वो लोग मुझे रास्ते में मिले थे, असल ठिकाना नहीं मालूम मुझे। मेरे वहां पहुंचने से पहले वो अपने आदमियों को वहां फैला चुके होंगे। अगर उनका ठिकाना मालूम हो जाए किसी तरह तो कुछ कर सकते हैं। इस तरह खामोश नहीं बैठ सकता मैं भाई। कल सुबह होते ही बाजार जाऊंगा और उन लुटेरों के बारे में पूछगछ करूंगा हर एक शख्स से। अपनी सोचा के लिए और मेरी बेटी के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल दी अर्तुरुल साहब। भुला नहीं सकता मैं आपका एहसान कभी। शुक्रिया सरदार जानदार। सोना ले आया हूं सरदार। मुझे इजाजत दीजिए अर्तुरुल साहब। अल्लाह से दुआ है कि वो मददगार हो आपका। शुक्रिया सरदार जानदार। उराल नहीं पहुंचा अब तक। कोनिया में क्या कर रहा है ये? इन सवालों के जवाब हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे हम दुंदार। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाइयों। माशाल्लाह मेरा शेर, तुम्हें हंसते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है मेरे भाई। अल्लाह का शुक्र है अजल को मात दे दी तुमने। अल्लाह आपको सेहत दे भाई, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया मेरे भाई। तुम्हारा जख्म कैसा है सामसा भाई? पहले से काफी बेहतर है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी ना होने का बहुत अफसोस है। क्या हुआ? इस तरह मुंह क्यों लटका लिए तुम लोगों ने अपने? हमने कभी किसी जिम्मेदारी को अधूरा नहीं छोड़ा है। बमसी बात सिर्फ जिम्मेदारी की नहीं है। हलीमा सुल्तान और असलेहान खातून एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। मैं समझाता हूं तुम लोगों को मेरे भाई। यहां देखो, तुम लोग मेरी बात को गौर से सुनना। एक दफा का जिक्र है। बड़े कहते हैं एक कबीले में किसी वक्त एक खूनखार चीते ने अपनी दरिंदगी से दहशत फैला रखी थी। किसी जानवर को नहीं छोड़ा और इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब सब लोग परेशान हो गए कि आखिर क्या करें इस चीते का, फिर क्या था ये खबर खान के कान तक पहुंच गई और खान तो गजबनाक हो गया। उसने कहा कि अगर मैं अपने लोगों को एक चीते से नहीं बचा सकता तो मेरी सरदारी किस काम की है। फिर उसने उस चीते की तलाश में अपने बेहतरीन 20 जंगजू रवाना किए। खान का एक बहादुर बेटा भी था। उसके बेटे ने कहा, बाबा आपको मुझे भी भेजना चाहिए था ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं एक बहादुर और जांबाज सरदार का बहादुर और जांबाज बेटा हूं। मेरे भाइयों, खान का बेटा बहादुर और जांबाज तो बहुत था, मगर कम उम्र था अभी। खान ने कहा, बेटा मैं जानता हूं तुम्हारा खून जोश में है, लेकिन सही वक्त नहीं आया है अभी। उसके बेटे ने अफसरदा होकर सर नीचे झुका लिया। गौर से सुनो भाइयों, खान के सिपाही जब उस चीते को
तलाश करने में लगे हुए थे, उसी वक्त उन्हें एक खौफनाक धार सुनाई दी। इससे पहले कि वो सिपाही कुछ समझ पाते, उस चीते ने एक ही वार में सबको जख्मी कर दिया। जब खान के सिपाहियों में से उसका एक सिपाही अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, न जाने कहां से वहां अचानक खान का कम उम्र बेटा आ गया और एक ही वार में उसकी गर्दन अलग कर दी। वो खतरनाक खूंखार चीता उस बहादुर नौजवान के आगे एक लम्हा न टिक सका। भाइयों, उस दिन के बाद से वो नौजवान लड़का अपनी बहादुरी की वजह से तुंगा के नाम से जाना जाने लगा। भाइयों, हमारे भाई भी बिल्कुल उसी तरह एक जाबाज है। हमारे भाई पूरी दुनिया में बेमिसाल है। एक शेर का बच्चा शेर ही होता है, लोमड़ी नहीं। भाई की रगों में शेर का खून है। मेरे भाइयों, चाहे दुनिया बदल जाए, कितने ही साल गुजर जाएं, बहादुर जाबाज हमेशा बहादुर रहते हैं और ये बहादुरी हमारे खून में हमेशा रहेगी। हमारे यहां ना ही कभी बहादुर कम होंगे और ना ही दास्तानें। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। अल्लाह अर्तुरुल भाई को उनके मकसद में फतह दे, आमीन। उन्हें और उनके जाबाज सिपाहियों को बेशुमार फतुहात नसीब करें, आमीन आमीन। याद रखना भाइयों, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब कोई ना कोई अर्तुरुल भाई की फतुहात की दास्तान सुन रहा होगा। आमीन 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 भाइयों, आमीन। अर्तुरुल बहुत खतरनाक आदमी है और अक्लमंद भी है। वो मेरी हिदायत के मुताबिक अकेला ही आएगा कल, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी होगी। तुम अपने चार आदमियों के साथ सनोवर के दरख्त के पास अर्तुरुल का इंतजार करोगे, बाकी सब घात लगा के बैठेंगे। अगर वो अपने साथियों के साथ आए तो मार डालना सबको। और ये भी अपनी जान से जाएंगी। जो थोड़ा सा सुकून मिला था हमारे कबीले के दुश्मनों ने, वो भी हमसे छीनने की कोशिश की है असलहान खातून। पहले मेरे बाबा, छोटा भाई ये के, और अब मेरा बेटा कुद्दूस। वो दिन आज भी याद है जब अर्तुरुल साहब को मैंने ये खुशखबरी सुनाई थी। मैं उम्मीद से हूं अर्तुरुल, हमारी औलाद होगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, गवाह बनाता हूं मैं सबको, गिरदरखेज जमीन और नीला आसमान, बाबा बनने वाला हूं मैं बाबा। अर्तुरुल संभाले खुद को, अभी बहुत वक्त है। मत रोको मुझे हलीमा सुल्तान, पूरा कबीला मुंतजर है इस खबर को सुनने के लिए। कुंदूस की बहन या भाई आने वाला है, उम्मीद से हूं मैं। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से साहिब औलाद होंगे। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। अल्लाह पर यकीन रखिए, गुंदूस से आप दोबारा जरूर मिलेंगी इंशाल्लाह। असलहान खातून, इंशाल्लाह। हम लोग उनकी गुफ्तगू तो नहीं सुन पाए, लेकिन ये बात वाज़ह है कि वो इस मामले में मुलव्विस हैं।
वैसा ही हुआ जैसा सोचा था मैंने। उराल का ही हाथ है इस मामले के पीछे। यानी उराल यहाँ की सारी खबरें अमांडा के जरिए ले रहा था। उस औरत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यह खबर कबाइल में खूनरेजी करा सकती है। अर्तुरुल को जब यह सब मालूम होगा वो उराल को मारने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अपनी बीवी और बच्चे पर जुल्म करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जानदार ऐसा कभी नहीं होने देगा। हम जब अमांडा को अर्तुरुल के हवाले करेंगे सारे मामलात खुद बहुत सुलझते चले जाएंगे। अगर अमांडा ने यह सब अर्तुरुल को ना बताया तो फिर जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। क्या कहते हो मारिया? उसे बुलबुल की तरह कैसे गवाना है उस्ताद सिमोन मैं जानती हूं। पेट्रोस, अमांडा की दुकान पे नजर रखोगे तुम? उराल वहां जरूर आएगा हालात के बारे में जानने के लिए। तुरकुत पे हम एतमाद कर सकते हैं। मैंने खुद देख लिया है आज अपनी आंखों से। उसे हम दोनों कबाइल के दरमियान जंग में इस्तेमाल करेंगे। दबाव मत डालना उस पर। समझ गए तो मेरी बात? जैसा आप कहें उस्ताद सिमोन। या अल्लाह, मेरे भाई की, मेरे कबीले की और मेरे प्यारों की हिफाजत फरमा। गुंदूस को सेहत दे। हलीमा सुल्तान को जालिमों के चुंगल से निजात दिला दे। हमारे प्यारों से हमारी आजमाइश ना करना मेरे रब। या अल्लाह, शहीदों की रूह को शाद फरमा, जन्नत में बुलंद मकाम अता कर और मुझे अपने सिपाहियों पर हमला करने वालों से इंतकाम लेना नसीब फरमा। जब तक उन जालिमों से हिसाब न ले लूं मुझे मौत मत देना मेरे रब। आमीन आमीन। इबादत चाहे मुख्तलिफ हो हमारी मगर दुआएं एक ही हैं तुरगुत। खुदावन तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करे। बहुत शुक्रिया मारिया। मैं अपनी दुआओं की कबूलियत का मुंतजर हूं। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद अपने सिपाहियों का इंतकाम लेना है ताकि सुकून का सांस ले सकूं जिंदगी में। इंतजार है उस दिन का मुझे। मुझे भी उस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार है जिस दिन तुम्हें सुकून का सांस नसीब होगा। तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी तुरगुत। अल्लाह से दुआ है कि तुम दोनों की शादी अच्छे दिनों में हो। हमारी शादी उस वक्त होगी जब हमारे कबीले में अमन सुकून वापस आ जाएगा। दुरुस्त कहा तुमने दुआन। जब मुश्किल में हो हमारा कबीला तो हमें मुस्कुराने का कोई हक नहीं। अंदर आ सकता हूं? उठने की जहमत ना करो दुआन। आप लोगों को यकीनन कोई बात करना होगी, मुझे इजाजत दीजिए। दुआन की परेशानी में मेरा रवैया नामुनासिब रहा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं अपने उस रवैये पर। मुझे माफ कर दें भाई। हमले के दौरान तुम्हारी जानिसारी का बहुत शुक्रिया।
एहसान रहेगा मुझ पर। भाई, कराजे सार किले का काम मुकम्मल हो गया। मैंने हर हिस्सा जान लिया है, कितने दाखिली रास्ते हैं और कितने खारजी रास्ते हैं, मुहाफिज कहां और कितने हैं सब जानता हूं। भाई, ये सारी मालूमात जहन में महफूज है। इस पूरे अरसे में जासूसी करते वक्त तुमने तकलीफें उठाई हैं बहुत। ये मालूमात फतह की राहों को रोशन करेंगी। दुआन, तवज्जो दो अपनी सेहत पर, हर काम अपने वक्त पर होता है। काश कि मैं भी आपके साथ चल सकता भाई। जी भाई, आपके तनहा जाने पर दिल आमादा नहीं हो रहा। अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह मददगार हो। मेरा भाई, मैं नहीं आना चाहता, इसलिए तुमसे छुपकर बात करना चाहता था। सब खैरियत तो है, छुपकर क्यों? फ्रांसिस्को आया था क्या? जी आया था, उसने हिदायत के मुताबिक असलेहान और हलीमा को अगवा कर लिया है। अर्दुल साहब को अपनी मांग भी बता दी है उसने, और कहा है कि अगर तवान नहीं मिला तो उन दोनों को जान से मार देगा। बात हो, अर्दुल के पास इतने तिलाई सिक्के तो होंगे नहीं, तो या तो वो अपने सिपाहियों के साथ हमला करेगा या फिर मेरे बाबा उसे ये तिलाई सिक्के देंगे। अर्दुल कुछ नहीं कर सकता, फ्रांसिस्को बहुत खतरनाक लुटेरा है और उसके साथ ताकतवर सिपाही भी हैं, जो सलीबियों के साथ काफी जंगों में लड़ चुके हैं। अर्दुल को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर उसका एक और मुतालबा है। वो क्या है? फ्रांसिस्को ने मुआहिदा तोड़ दिया है, उसे दुगना मुआवजा चाहिए। एक लुटेरे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे बारे में उसे मालूम नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। बेफिक्र रहें आप, उसे कुछ नहीं मालूम होगा। लेकिन आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे? अर्दुल को, उसकी बीवी को और अपनी बहन को बचाऊंगा उससे। मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरे रब, जो मुश्किल दरपेश है उससे तेरी पना चाहता हूं। इस बेसुकून कर देने वाले फितने से बचा मुझे। ऐ मुश्किलों में आसानियां पैदा करने वाले मेरे अल्लाह, हलीमा को उस सालिम के जुल्म से बचाने में मेरी मदद फरमा। उसे तकलीफ देने वालों को जहन्नुम भेजने में मेरी मदद फरमा।
अपने दुश्मन के खिलाफ मुझे फतहयाब कर। आमीन। हलीमा, मेरी अहलिया, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल की वाहिद मलिका, जब तुम जालिम के जुल्म से दोचार हो न कैसे सुकून से सो सकता हूं। तुम्हारी आंखें अगर मुंतजर है मेरी तो कैसे यहां रुक सकता हूं मैं। ऐ मेरी नूरे नजर, अगर तुम्हारे चेहरे ने से आसमान का रुख किया तो मैं तूफान बन जाऊंगा। तुम नहीं हो तो ये औताक जिंदान है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये दुनिया तारीख हो गई है मेरे लिए। बेटा, मेरे लख्त जिगर, तुम ऐसे वक्त में पैदा हुए जब हर तरफ बदमनी की आग लगी हुई है। जालिम तुम्हें कभी सुकून से नहीं रहने देगा, लेकिन तुम कभी भी हार ना मानना, किसी के सामने अपना सर ना झुकाना कभी। हम लोग तुर्क हैं, बहादुर बेटे हैं इस सरजमीन के। हमारे लिए खोए बगैर पाना, कमाए बगैर कोई चीज लेना और लड़े बगैर मरना मुमकिन नहीं है। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से, क्या हमने तुम्हारे कल्ब को रोशन नहीं किया? क्या तुम्हारा बोझ उतार नहीं फेंका जिसने तुम्हारी पुश्त को रगड़ कर इस कर्ब व अजियत में मुब्तला कर दिया? हमने तुम्हारे वकार को अजमत बख्शी, एक आसानी पोशीदा होती है हर मुश्किल में। बिल्कुल इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। और फिर जब तुम थक हार कर दुनिया से ना उम्मीद हो जाते हो और सिर्फ रब से उम्मीद लगाते हो तो उसी से लो लगाओ।
रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से, हमने तुम्हें वाज़े तौर पर फतह की नवीद दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्श दे तुम्हारे अगलों और पिछलों के, और तुम पर नेमतें तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे, और बेशक अल्लाह तुम्हें अजीम फतह से सरफराज फरमाएगा। वही तो है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उनके ईमान में और इजाफा हो। आसमान और जमीन की सारी मखलूक अल्लाह की है, अल्लाह अलीम है, हर शय में हिकमत है उसकी। मोमिन मर्द हुसन का मकाम जन्नत है, जहां वो हमेशा रहेंगे, आबे शीरी और मनोसलवा से लुत्फंदोज होंगे। ये उनके लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है और ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए अजर अजीम है। और जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं रखते, उन मुनाफिक मर्दों और औरतों के लिए जो दूसरे खुदाओं पर यकीन रखते हैं, बदतरीन अजाब है जो हमेशा रहेगा। शैतान उनके सरों पर सवार हो चुका है, अल्लाह उन पर गजबनाक है, लानत भेजता है और जहन्नम को उनके लिए तैयार कर रखा है। क्या बुरी जगह है जहन्नम? आसमान और जमीन की सब मखलूक अल्लाह ही की है, सब कुछ उसी का है, अल्लाह ही हिकमत वाला है, बेशक अल्लाह ही हक को आश्कार करता है। कोई शक नहीं कि अल्लाह ही हक को आश्कार करता है। अल्लाह ताला शिफा से नवाजे तुम्हें। आमीन। अपनी वालिदा के आने तक इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे तुम। मेरी दुआएं साथ हैं तुम्हारे, अल्लाह महफूज रखे। खैरियत से जाओ और खैरियत से आओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शिकस्त हो तुम्हारे हर दुश्मन को। आमीन। सुलह होकर लौटोगे इंशाल्लाह। Thank you.
काई और चाफदार कबीले की खवातीन का बहुत शुक्रिया। आज 1000 सोने के सिक्के सोने में शामिल हो जाएंगे। ये सोना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा बदबخت इंसान। ऐसे बहुत से इंसान गुजरे हैं जिन्होंने सोने के लिए बहुत कुछ किया मगर उस सोने को हाथ लगाने से पहले दुनिया छोड़कर चले गए। यही सोना बहुत जल्द तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। फ्रांसिस्को अर्तुरुल साहब के लाए गए सिक्कों से बादशाहों की जिंदगी गुजारेगा। और तुम लोग क्या लगता है तुम्हें कि अर्तुरुल से मुलाकात के बाद सोने के सिक्के गिनने के लिए जिंदा बचोगे? बिल्कुल जिंदा बचूंगा, यकीन है मुझे, क्योंकि एक मुर्दा कभी जिंदा आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अर्तुरुल एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन है। बेचारा तुर्क। वो समझता है कि सोना लाने के बाद उसको और तुम दोनों को यहां से जिंदा जाने दूंगा मैं, मगर तुम सब एक एक करके मरते जाओगे एक दूसरे की आंखों के सामने। कसम है रब की, अपने परचम की, अपने हथियार की, शुक्र उस रब का जिसने मुझे इस जिम्मेदारी का अहल बनाया। अगर मैं अपने अजीम आबाओ अजदाद ओवोस के रास्ते से पलट जाऊं तो मेरी अपनी ही शमशीर मेरे खून में नहा जाए, आसमान फट पड़े, जमीन में शिकाफ हो जाए, मेरे बाबा ओवोस और मेरे रूहानी अजदाद मेरी रहनुमाई करें। इस सफर जिहाद में हजरत खिजर मेरे हमराह हो, हजरत अली मेरे पीर व मुर्शिद हो, जिहाद हमारा, फतह अल्लाह की। भाई, मैंने बाजार में हर एक से पूछगछ की है लेकिन किसी से कुछ भी मालूम नहीं हो सका, कोई भी सुराग ना मिल सका। कबीले वापस जाओ कुतलोजा। जैसा आपका हुक्म भाई। या अल्लाह, मैं तुझे हजरत अली करमुल्ला वजो की दुआ से पुकारता हूं, हकीकत सब पर आश्कार कर दे, शैतान को मकलूब कर, बेशक तू हर शय पर कादिर है, इस शैतान को हमारे रास्ते से दूर कर दे यार। साहब, ये जो वाकया हुआ है उसका अफसोस है मुझे। खवातीन के लिए दुआ भी की है खुदावंद से मैंने। शुक्रिया खातून। खवातीन तकलीफ के बावजूद भी यहाँ बाजार आई थी काम करने के लिए। अर्तुरुल साहब एक बहुत ही बहादुर आदमी है जनाब, हार नहीं मानेंगे वो। बाजार के पहले दिन ही अंदाजा हो गया था मुझे। इजाजत दीजिए साहब। इजाजत दें तो कुछ कहना चाहती हूँ मैं। क्या कहना चाहती हो आखिर, कहो जल्दी। किसने अगवा किया है खवातीन को जानती हूँ मैं। कौन है वो? वो एक खतरनाक जंगजू है, नाम है फ्रांसिस्को। बहुत कम बाजार आता है क्योंकि सीमोन से दुश्मनी है उसकी। इस बात का हमारी खवातीन के अगवा से क्या ताल्लुक है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। जिस दिन कालीन का कारखाना खुला फ्रांसिस्को आया था उस दिन। हलीमा और असलेहान खातून के बारे में पूछ रहा था लोगों से, जब मैंने उसे देखा तो मैं दुकान में छुप गई थी। कहाँ मिलेगा वो आदमी, बताओ मुझे।
उसके साथियों में से एक मेरी दुकान पे भी आया था। उसे बातें करते सुना कि उनका पड़ाव वादी निकोलस की चट्टान के पीछे है। लेकिन एक इल्तिजा है आपसे, उन्हें ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको सब कुछ बताया है। आलिया, सब खैरियत है ना? जल्दी में क्यों हो? बाजार आने वाली खवातीन पर लुटेरों ने हमला कर दिया था। क्या कहा? असलिहान और हलीमा सुल्तान को अगवा करके यारगमाल बना लिया है उन्होंने, लेकिन मैं उनका ठिकाना जान चुका हूँ भाई। अर्तुरुल भाई तवान लेकर अकेले गए हैं, हमें उनकी मदद के लिए जाना होगा वहाँ। तो फिर पतवान को बुलाकर जंगजुओं को तैयार करवाते हैं। वक्त नहीं है भाई, वक्त नहीं है। फिर वहाँ साथ जाएंगे हम, चलो। अमांडा को आजाद कर दूंगा मैं। जहां तक मैं जानता हूं उसको, पैक को, वो किसी को जमीन देता नहीं बल्कि उनसे लेता है।